जलाद आनंद से रह रहे हैं, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं। तब देवताओं ने भगवान शिव जी से विनती करी, निवेदन करा, भोलेनाथ कृपा करो, ये नरसिंह भगवान तो गुस्से पर गुस्सा करे जा रहे हैं, क्रोध पर क्रोध करे जा रहे हैं, और इन्होंने बहुत उपद्रव मचा कर रखा। सारे देवता घबरा रहे हैं, आप करुणा करिए, आप कृपा करिए। भगवान शिव जी ने कहा कि नरसिंह भगवान को उठाकर मैं बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में छोड़ देता हूं, पर बात इतनी है कि उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। एक बात बहुत अच्छी से याद रखिएगा, कभी यह मत सोचना कि अकेले रहोगे तो खुश रहोगे, परिवार के साथ में रहोगे तो ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि परिवार की एकता में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं आनंद नहीं। संगठित रहिए, संगठन में रहिए, जो संगठित रहता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, पर 10-12 लकड़ी एक साथ में होगी तो तोड़ने में दम चाहिए। संगठन में रहने में, संगठित रहने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। हम एक बात हमेशा कथा में कहते रहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ कि अपने परिवार के साथ में बैठकर माता पिता कुटुंब कबीला जो भी अपने घर में, जो एक घर में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, आप हों, पत्नी हो, बेटा बेटी जो भी हो, आपके घर में जितने भी लोग अपने घर में रह रहे हैं, उन सबके साथ एक साथ बैठकर भोजन करो। हम ये नहीं करें कि एक ही थाली में भोजन करो, सब अपनी थाली लगाओ, पर एक साथ बैठो और एक साथ भोजन करो, जिससे अपने मन के भाव केंद्रित। संगठित रहिए, संगठन में रहिए। पिता आ रहा है 10 बजे रात को, बेटा आ रहा है 11 बजे रात को, मां भोजन कर रही है 8 बजे, बेटी आ रही है 5 बजे, ऐसा भोजन का क्रम नहीं होना चाहिए। संगठित रहकर भोजन करें, ज्यादा दिन नहीं, हम ये कह नहीं रहे कि आपसे कि रोज करो, हफ्ते में एक बार। उससे क्या होगा कि बच्चे को कुछ कहना होगा तो उसको लगेगा पापा आज अच्छे मूड में है तो अपन कह दें, मेरी मम्मी अच्छे मूड में है तो मम्मी से मैं कह दूं। अपने बेटा बेटियों से भी निवेदन है और माता और पिताओं से भी निवेदन है, अपने बच्चों से फ्रेंड जैसा रहिए, दोस्त जैसा, जिससे वो अपने दिल की बात आपको सारी बता दें और आप पहले से सचेत हो जाएं कि हमारे साथ ये घटना ना घट जाए। अपने बच्चों के साथ में रहकर अपने बच्चों से थोड़ा सा एक दोस्त जैसा माहौल रखकर उससे पूछो, उसको समझो, उसको जानो। बच्चा कहीं कोई गलत बात छुपा तो नहीं रहा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 4 महीना उसके मन में कुछ चल रहा और वो छुपा छुपा कर चल रहा है, बाद में मालूम पड़ता है तो फिर रोना आता है, क्या करेंगे अब हम, कैसे बचाएंगे गुरुजी, अब हम क्या कर सकते हैं गुरुजी? तो गुरुजी कुछ नहीं करेगा, करना तुमको पड़ेगा। थोड़ा संगठन में रहिए, थोड़ा संगठित। भगवान शिव ने कह दिया 33 कोटि देवी देवता मेरा साथ दे देंगे, मैं नरसिंह भगवान के गुस्से को शांत कर दूंगा, ये 33 कोटि देवी देवता मेरा साथ दे। तो देवताओं ने पूछा हमें क्या करना पड़ेगा, शंकर भगवान ने कहा मैं सरंब पक्षी का रूप धारण करूंगा, तुम मुझ में बल देना, सब मेरे पंखों से लपट जाना, मैं बल पाकर नरसिंह भगवान को अपनी चोंच से या पंजे से उठा लूंगा और उठाकर अलखनंदा नदी में, गंगा के जल में डाल दूंगा,
जब नरसिंह भगवान को गंगा के जल में अलकनंदा नदी में डालूंगा तब उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाए। देवताओं ने कहा हम तैयार हैं। देवता बोले हमें तैयारी है, आप करो तैयारी। शिव जी ने एक रूप रखा सरंब पक्षी का, नरसिंह भगवान को उठाया, पंजे में उठाकर ले गए बद्रिकाश्रम की अलकनंदा नदी में, उनको पटक दिया। पटके भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया, एकदम शांत। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह भगवान से, प्रभु वैकुंठ नहीं जाओगे? नरसिंह भगवान बोले मेरे को अलकनंदा नदी में रहने दो। नरसिंह शिला के रूप में नरसिंह भगवान आज भी अलकनंदा नदी में रहते हैं, जहां पर ताप कुंड है, जहां पर पानी गर्म का कुंड है बद्रीनाथ में, उसके नीचे की ओर आप देखेंगे कि बड़ी सी शिला नजर आएगी, बड़ी सी शिला नजर आएगी। उस बड़ी सी शिला को देखेंगे और किसी पंडित जी से पूछेंगे कि यह कौन सी शिला है, तो लोग कहेंगे कि यह नरसिंह शिला, यह नरसिंह भगवान के द्वारा प्रकट। शिव जी का नाम सरंभेश्वर महादेव हो गया। सरंभेश्वर महादेव क्रोध को संयम रखने के लिए, सरंभेश्वर महादेव जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो सरंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। सरंभेश्वर महादेव, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है सरंभेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री का। सरंभेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे कौन से महादेव? सरंभेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, सरंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है, तो सरंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, सरंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी सरंभेश्वर महादेव का मंदिर कहां मिलेगा, हम कहां पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, सरंभेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा सरंभेश्वर महादेव का नाम। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था, अब पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा, जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई। जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना, जिसके लिए भी लिखा हुआ वो इतना ध्यान नहीं आ रहा, तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके बंद नहीं हो, तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि सरंभेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी
हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आने। श्रम्भेश्वर महादेव का जो वर्णन है, श्रम्भेश्वर महादेव का जो गुणगान है, यह कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल श्रम्भेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए, ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का गुणगान। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ उसके लिए एक बार फिर से बोल लो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने बिदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। जब हमारे यहां कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ। दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझ कर पाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं और श्रम्भेश्वर महादेव, बोलो बोलो जरा जम के, व्यसन की समाप्ति के लिए। व्यसन में अगर कोई डूबा, महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, श्रम्भेश्वर महादेव प्रकट हो गए, सारे देवताओं ने भगवान शंकर की जय जयकार करी, पार्वती जी ने शिव जी का वो रूप देखा तो पार्वती जी ने भगवान शंकर के उस रूप का गुणगान किया। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे निवेदन है, आपने ये शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा है, इस रूप को अब छोड़ दीजिए और इस रूप को छोड़कर अपने वही पुनः रूप को धारण कर लीजिए। शंकर भगवान पुनः उस रूप को त्याग कर शिव जी अपने असली स्वरूप में धारण हो गए और भोलेनाथ काशी में जाकर विराजमान हो गए। माता पार्वती जी ने काशी का जब स्मरण किया, काशी का जब दर्शन किया, तब माता पार्वती के हृदय चित्त में काशी भ्रमण का भाव जागृत हो। काशी भ्रमण करने के लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, पार्वती तुम क्या चाहती हो? पार्वती जी ने मन से कहा, भोलेनाथ मुझे केवल इस काशी का दर्शन करना है। और देखिए शिव महापुराण का एक शब्द विद्येश्वर संहिता में कहा गया है, जैसे ग्रहण पड़ता है तो हमको स्नान करना पड़ता है, श्मशान चले जाते हैं तो आकर नहाते हैं, कहीं अशुद्ध जगह पर चले जाते हैं तो आकर स्नान करना पड़ता है। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण में वर्णन किया वेदव्यास जी ने, यदि काम लोभ आसक्ति तृष्णा झूठ प्रपंच छल बेईमानी ये सब का ग्रहण अगर इस शरीर पर पड़ा हुआ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर डुबकी लगा लीजिए, ये सारा समाप्त हो, सब समाप्त। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छटी ना मैं कटी भोले शंभो हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हतो छड़ी नाम में कटी जाती। शिव पुराण कह रही है भक्त और भगवान में एक अंतर बड़ा प्रबल। भक्ति शिव महापुराण कह रही है भक्त और भगवान में एक अंतर बड़ा प्रबल। कौन सा अंतर है वो भक्त और भगवान का? कहते हैं भक्त और भगवान में एक अंतर प्रबल है, जो भक्त और भगवान के अंतर को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि भक्त और भगवान में एक अंतर प्रबल है, जो भगवान नहीं कर पाता है वो भक्त के माध्यम से मेरा महादेव करवा बैठता है। ये भक्त और भगवान का एक अंतर, भक्त और भगवान का एक क्रम। जैसे हनुमान जी महाराज जो मेरे राम नहीं कर पाए वो मेरे हनुमान जी कर दिए, और मेरे हनुमान जी महाराज भक्त बनकर जो नित्य सेवा की तल्लीनता में रहते हैं। शिव कथा कह रही है जो शंकर का भक्त है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का अनुमोदन करने वाला है, शिव स्मरण करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शंकर के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाने वाला है, जो शिव भक्ति में दिन रात डूबा रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी, हमने एक पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, आप शंकर के मंदिर जाने वाले का अगर केवल मुख का दर्शन भी कर लोगे तो मेरा देवाधिदेव महादेव आपके कार्य सफल कर देगा। शिव मंदिर जाने वाले का केवल मुख दर्शन ही हमारे को श्रेष्ठता दे जाता, केवल मुख दर्शन।